कुमाऊं की लोक कला है ऐपण। यह कुमाऊं की एक समृद्ध और गरिमापूर्ण परंपरा है जिसकी प्रत्येक कुमाऊनी घर में एक महान सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व है। ऐपण शब्द संस्कृत के शब्द अर्पण से लिखा गया है। ऐपण का शाब्दिक अर्थ होता है लिखना। तो जो ऐपण होता है ये स्पेशली हम लोग फेस्टिवल के टाइम पे बहुत ज़्यादा हम लोग अपने घरों में दीवारों में बनाते थे पहले। और पहले इसका जो प्रयोग है वो गेरू और चावल के रूप से हम इसका जो डिज़ाइनिंग करते थे, लेकिन अब समय जितना आगे बढ़ रहा है तो अब हम इसको रेड कलर के ऊपर वाइट कलर के पेंट से इसकी डिज़ाइनिंग कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं जो बना रही हूँ वो है एक सुंदर सा तोरण का डिज़ाइन। तो तोरण के डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है रेड कलर का कपड़ा और यहाँ पे यूज़ किया है मैंने पेंट वाइट कलर का पेंट। तो उसके लिए आप कोई सा भी रेड कलर का कपड़ा ले सकते हैं, नाप वैसे आप चाहे तो अपनी अकॉर्डिंग ले लें। तो मैंने जो यहाँ पे यूज़ किया है वो 3x4 का यूज़ किया है, क्योंकि ये एक जो हमारा है ये रेक्टेंगुलर शेप में बनेगा। तो इसको बनाने के लिए देखिए, पहले हो सके तो अगर आप नए हैं, पहली बार बना रहे हैं या दूसरी बार बना रहे हैं, अगर आप इतना परफेक्ट नहीं बना पाते हैं तो आप पेंसिल की मदद ले लें और पेंसिल से एक रफ़ स्केच तैयार कर लें। रफ़ स्केच बनाने के बाद उसके ऊपर इजीली पेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्रश। इसको बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन बनने के बाद जो है ये बहुत ही ब्यूटीफुल और प्यारा सा डिज़ाइन हमारा बनके तैयार हो जाता है, जो कि दिखने में बहुत सुंदर लगता है। स्पेशली हम लोग इसको साल में एक बार तो ज़रूर बनाते हैं दिवाली के टाइम पे। आजकल लोग स्टिकर का भी बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं, लेकिन तोरण बनाने का सबसे अच्छा ये है इसमें कि आप इसको वॉश कर सकते हैं और आप अपने दरवाज़ों पर लगा सकते हैं। जब हम अपनी दीवारों पे लगाते हैं या फिर हमने फ़र्श में लगाते हैं, वो कुछ टाइम के बाद हमें 2 से 3 साल के बाद तो उसे फिर नया लगाना ही पड़ता है। तो इसमें बेस्ट थिंग ये है कि आप कितना भी ब्यूटीफुल डिज़ाइन बना लें, आप इसको वॉश कर लें और आप इसको बनाएं हमेशा फैब्रिक कलर की मदद से, जिसको जो कि वॉशेबल होता है और इसको वॉश किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मेरे सुंदर से ब्यूटीफुल से डिज़ाइन बन के तैयार हो गए हैं। इसको मैंने थोड़ा सा थिक लुक देने के लिए मैंने यहाँ पे 2 लेयर्स यूज़ किए हैं कपड़े की, और ऊपर से मैंने इसमें एक पोर्शन छोड़ दिया था जिसके थ्रू हम इसको हैंग करेंगे, और या ऊन या जो भी डोरी है इसके अंदर डाल के हैंग करेंगे। तो उसके लिए मैंने ऊपर की तरफ से स्पेस दिया हुआ है। आप इसमें किसी भी तरह का सुंदर डिज़ाइन बना सकते हैं। तो फाइनली देखिए, यहाँ पे 4 हमारे पीसेस बनके तैयार हो गए हैं। आप चाहें तो इसमें ज़्यादा पीसेस भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दें।